सो आर जर्नी बिगिंस फ्रॉम द्वारिका टू सोमनाथ, और ये जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत हैपनिंग होगी। सो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच फुल वीडियो। बहुत मस्त है। और लाइट शो नहीं था, पूरा बीच व्यू है सोमनाथ महादेव का। मारा था वहां दर्शन किए, जो मैं आपको फोटो में भी दिखा दूंगा कि। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और द्वारका से आपको वेरी गुड मॉर्निंग। रात को नींद आई नहीं क्योंकि रूम में मज़ा नहीं आया, बहुत कंजेस्टेड और बहुत जीप रूम था, तो मैं ऐसे लेटा था, टाइम पास किया, पूरी रात नींद तो आई नहीं बराबर। तो अभी मैंने डिसाइड किया कि मैं यहाँ से सोमनाथ के लिए निकलूँगा। मेरा 8 बजे का बस है, अभी बजे 7:15, तो यहाँ से अभी मैं धीरे धीरे करके निकलता हूँ। और बस ये स्वामीनारायण मंदिर है और ये सब उतारे हैं। वो रहा बीच, बहुत नज़दीक है बीच, बट वहाँ जाते जाते बहुत दूर पड़ जाएगा, बट ठीक है। सुबह सुबह गर्मी में बोलो, इट्स अराउंड लाइक 7:20, चलो यहाँ से 15 मिनट दूर है, तो जल्दी जल्दी पहुँचते हैं और फट से जाके रिजाइन करते हैं। जा रहे बस स्टेशन, बहुत आवाज आता रहेगा सराउंडिंग साउंड। कंटाला आ रहा है और रुकना था बेट द्वार का, बट नहीं रुक पाया ड्यू टू कि मुझे लगा था कि रूम अच्छा मिलेगा, ये होगा, अच्छा नहीं था। ठीक है, रूम तो ठीक नहीं, अच्छा नहीं मिला, इसलिए मैंने बेट द्वारका का प्लान कैंसिल कर दिया। अगर बेट द्वारका अभी नेक्स्ट टूर में करूँगा, बेट द्वारका और 2-3 मंदिर और बीचेस, बट ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं। अभी यहाँ से सोमनाथ में होटल वोटल सब बुक करके रखा है, होप सो उधर अच्छा हो, फिंगर क्रॉस, लेट्स सी। मिलते हैं आपको जब बस में बैठते, तो अभी तो थोड़ी देर टाइम पास करता हूँ, और फ़ोन फुल फुल है तो उसको भी थोड़ा खाली करना पड़ेगा, बिकॉज कल मैंने सोचा था कि डेटा ट्रांसफ़र कर लूँ, बट किया नहीं, बट आज कर लेता हूँ, अभी थोड़ा टाइम है तो। लेफ्ट फ्रॉम द्वारका अभी बस है अराउंड 1:30, सोमनाथ को जो बस और चिल कर रुके हैं बस वॉशरूम ब्रेक के लिए, है व्यू है, और ये हमारे बस हमारे पीछे और व्यू। बहुत कॉमन है मेरे लिए, बिकॉज विंडो सीट, अरे मैंने गलती से बुक नहीं किया विंडो सीट, वरना डर लिया तो अच्छा रहता, बट कोई ना, विंडो सीट तो मिल गई इवेंचुअली। और कोड बंदर से बाहर निकलते हैं धीरे धीरे करके,
और ये कुछ या गार्डन टाइप का कुछ। और सोमनाथ इज अराउंड लाइक अभी कितना रहेगा बेसिकली सोमनाथ अभी 160-150 किलोमीटर रहता है यहाँ से एट करंट डिस्ट। जब पहुँचेंगे तो पता चलेगा कि क्या है, बस गुड टू गो। 20 के बजे 10:24 जा रहे धीरे धीरे, बस धीरे धीरे चल रहे। 130 का भी अराइवल टाइम है बट लगता है 130 करके। आई होप कल की तरह जल्दी पहुंच जाए और मेरा चेक इन होटल पे हो जाए, चेक इन करके फिर शुरू करेंगे। बस 4 एम्बुलेंस किलोमीटर गोइंग गुड, थोड़ा लो हो गया था 10-15 मिनट पहले, लाइक थोड़े डाउन हो गया था, लोग फील कर रहा था बट ठीक है, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। थोड़ा लो फील हो रहा मंडे की आ रहा है, भी आ जा रहा है, कभी ट्रैवल नहीं किया और फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत अपना पास बुलाने के लिए थोड़े काम करते जा रहा हूँ रोज दिन में, ठीक है। तो दस किलोमीटर ये समझ के ही थोड़े टाइम में सोमनाथ पहुंच जाएंगे, वृंदावन से तो निकल गए अभी, मोस्ट ऑफ 5-10 किलोमीटर्स रहेगा सोमनाथ पहुंचने के लिए। बस बारिश भी बहुत हो रही है, बूंदा बारी हो रही है, ज़्यादा बारिश की तो अच्छा है, होप से ज़्यादा बारिश भी ना हो बिकॉज मेरे पास सामान है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं थोड़ी बहुत, तो उनको बचाना भी मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगा फिर, ठीक है। जैसा तो वैसा देखते हैं, आपको मिलते हैं, आप देख लो क्या चल रहा है, कैसे मिल रहा है। और हवा खाते खाते जा रहे हैं बस, और विंडो सीट से नज़ारे के मज़े लेते हुए एज ऑलवेज, फुल चिल सीन है, मज़ा आ रहा है घूमने को। थोड़ा थोड़ा लाइक अभी भूख लगा है बिकॉज अभी 1:48 हुआ है और लंच का टाइम हो गया और मैंने सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, तो अभी थोड़ी थोड़ी भूख लगी है। बट अभी वॉशरूम जा, अभी होटल जाके वॉशरूम जाके फ्रेश होके फिर ढूंढेंगे, फिर मंदिर में जाएंगे। 3 बजे रश आ रहता है मंदिर का, तो 3 बजे से 3-4 बजे फिर साइट सीन करेंगे नियर बाय,
देखते हैं और ऑडियो कैसा होने का था। पहुंच गए सोमनाथ मंदिर, दिख रहा है यहाँ से सामने ही है। बस चलते जा रहे हैं, बैग उठा दो, बारिश गिर रही है थोड़ी बहुत बट ठीक है, चलते हैं। और सामान है थोड़ा, लैपटॉप वैपटॉप है तो वजन है थोड़ा बहुत बट ठीक है, पहुंच जाएंगे। 750 मीटर वॉक है, ऑटो वाले 100 रुपीज़ बोल रहे थे, लाइक 100 रुपीज़ होटल तक छोड़ने में वाला, अभी लाइक 1 किलोमीटर के लिए 100 रुपया बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ये तो मुंबई से भी एक्सपेंसिव निकला। आई डिसाइडेड टू गो बाय फिट और अभी पहुंच जाएगा लाइक 10-15 मिनट में, देखते हैं। बस यहाँ के नज़ारे और मैं आपको मंदिर दिखाता हूँ। और मेरे होटल से आई गेस सामने ही है, ऑपोजिट ही है, ऑनलाइन तो दिखा रहा था कि लाइक 250 मीटर्स और समथिंग है, देखते कितना भी कैसा भी क्या है क्या नहीं, आगे जाके दिखाते हैं। और ये देखो आगे का व्यू, वो रहा सामने मंदिर, वीडियो के चक्कर में पानी ना। और ये रहा सामने मंदिर, सोमनाथ मंदिर यहाँ पे। और यह हम सो रूम से निकला, वीडियो बनाना भूल गया, कुछ नहीं, अभी जा रहा हूँ मंदिर दर्शन कर रहे हैं। और यहाँ तो ब्लॉक है रास्ता बट ठीक है, हम रास्ता ब्लॉक था बट हमने टैप के आ गए, ये था, ये चढ़ के उतर के निकल गए। अभी जा रहा हूँ मैं मंदिर की ओर, मंदिर से फिर और कुछ देखते क्या देखने रहा आगे क्या नहीं। और बस ऐसे घूम रहे सोमनाथ, दर्शन में तो मज़ा आएगा। और बस यहाँ से सोमनाथ मंदिर जाऊंगा, फिर एक सूर्य नारायण मंदिर है वहाँ जाऊंगा, फिर बीच पे, बीच पर देखता हूँ बिकॉज क्या टाइम होता है, बिकॉज अभी मैं निकला हूँ 6 बजे तो मेरा दर्शन कितने बजे तक होगा और क्या होगा वो नहीं पता मुझे, लेट्स सी और कितना टाइम लगता है। और यहाँ पूरा रास्ता ब्लॉक है, लाइक ये पूरा हर जगह ब्लॉक ही करके रखे। और ये पूरा मेन स्ट्रीट है जो आपको मैं दिखाता हूँ एक दिन, ये पूरा मेन रोड है, यहाँ से सीधा सीधा जाएंगे तो उस मंदिर है एंटर। पूछना भूल गया कि फ़ोन अलाउड है कि नहीं है, बिकॉज कल द्वारिका में भी फ़ोन अलाउड नहीं था तो मेरे को लॉकर में रखना पड़ा था, देखते हैं आज अलाउड होगा, मोस्ट प्रॉब्ली तो होगा, अभी देखते हैं कैसा है क्या नहीं। यहाँ सब बहुत सारे भवन और सब है, अभी ऑडियो कैसा आ रहा हूँ मुझे आइडिया नहीं है बट ठीक है, थोड़ा जो उसे बोलेगा ट्राई करूँगा, हो जाएगा तो सॉर्टेड तो हो जाएगा। और क्राउड तो दिख रहा है बहुत, मेरे को नींद ज़्यादा आ गया, वरना मेरा प्लान था कि 3:30 को दर्शन करके फिर पूरा साइट सीइंग करूँगा बट मैं सो गया रूम में जाके आराम से, और अभी जाके उठा हूँ 6 बजे। और ये पूरे डोम से सब लगाया, पार्किंग वार्किंग का तो पता नहीं बट ठीक है। ये पूरा है मंदिर का मेन एंट्रेंस है, उधर से हम लोग ने एंट्री लिया, पीछे जो है ये, अभी यहाँ से जा रहे आगे आगे, मंदिर दिख रहा है। और ये सब लाइट शो सब का है बट अपने को लाइट शो का बाद में पूछते हैं। बस फ़ोन आई गेस यहाँ रखना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा किसी को कि फ़ोन का क्या सीन है। A few moments later हो गया अच्छे से, फ़ोन अलाउड नहीं था अंदर तो कुछ ने फ़ोन बाहर रखा था, और फिर दर्शन किए और 2-3 फोटोग्राफ खींचे और जो मैं आपको दिखा दूंगा अभी, और मस्त दर्शन हो गए। अभी बस यहाँ बाहर से फोटो वीडियो ले, और ये देखो मंदिर ही है,
सोमनाथ मंदिर यहाँ पे, फोन में सब अलाउड नहीं था बट ठीक है, एक दो बी रोल निकालने मिले तो एक दो बी रोल निकालूंगा, और बस क्राउड इतना नहीं था तो अच्छे से दर्शन हुए, दो तीन बार दर्शन हो गए तो मज़ा आ गया। और ये सोमनाथ महादेव मंदिर बहुत मस्त है, और लाइट शो नहीं था, दर्शन दर्शन हो गए। अभी ये देखो वहाँ भी ऑफिस मंदिर दिख रहा है, अभी यहाँ से मैं एग्जिट ले रहा हूँ, और यहाँ से जो तीन दो तीन मंदिर या फिर दो तीन जगह रहेगा वहाँ देखेंगे, और बीच भी नज़दीक है थोड़ा बहुत तो बीच पे भी जाके देखेंगे, और एक और सूर्यनारायण मंदिर है वो देखने जाना है, बट अभी जो हिसाब से टाइम मेरा चल रहा है क्योंकि मैं लेट निकला था यहाँ से तो देखते हैं। और ये रहा सोमनाथ महादेव मंदिर, वापस देख लो एक बार, मस्त है, एक्साइटिंग। और बस, और अभी यहाँ क्या है क्या नहीं वो पता नहीं, बीच पे जाना अलाउड है नहीं है नहीं पता, बस घूम रहे, एक दो बी रोल निकाले थे दो कि आपने देखे होंगे, बस सभी जा रहे अपने हिसाब से घूम रहे अकेले अकेले, ऐसे बोर तो नहीं हो रहा है बट ऐसा है कि लाइक कोई रहता साथ में तो और मज़ा आता था, फन होता, बट ठीक है सोलो ट्रिप है ये, और थोड़ा बहुत सीखना है ऐसे, समझना है खुद के बारे में भी और कैसे जाता है, तो देखते हो हिसाब से प्लान करते हैं बस। और यहाँ पे आई गेस बंद है, देख लेते हो तो अभी पूरा बीच साइड एरिया आ गए हम लोग, पीछे के साइड आ गए मंदिर के, जो कि मेरे ख्याल से अलाउड है नहीं है उन्हें पता, बट ठीक है। पूरा बीच व्यू है सोमनाथ महादेव का, यहाँ से करना, मैं थोड़ा अभी आलस आ रहा है बिकॉज फोटो वोटो खींचने के लिए, बट कोई है नहीं फोटो खींचने के लिए, बट कोई ना, वीडियो तो है, वीडियो से मेमोरी अलाइव कर लेंगे और क्या। लाइट थोड़ा सा लाइट बट ठीक है, पिक्सल है तो चल जाएगा बट बहुत ज़्यादा पिक्सल जा रहे हैं, बाणगंगा और द्वारका जो जा रहे हैं यहाँ से। Thank you.
आके फिर आपको मिलता है, वरना सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो जहाँ हम जूनागढ़ और गिरनार जाएंगे। सो इटिनरी बेसिकली ऐसा है कि वहाँ से यहाँ से जूनागढ़ मंदिर, और वहाँ दो दिन का स्टे लेंगे, एक दिन वहाँ आराम से रेस्ट करेंगे और दूसरे दिन गिरनार चढ़ने जाएंगे या फिर रोप वे लेंगे। और एक और पर्वत है दत्तात्रेय पर्वत, देखते हो उसमें कैसा टाइम मिलता है क्या नहीं, लाइक अकेले जाने में चढ़ने में प्रॉब्लम तो नहीं है, बट ठीक है देखते क्या करना है क्या नहीं। बस अभी के लिए फिलहाल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब टू माई चैनल, और कुछ भी रहेगा तो कमेंट डाउन बिलो। और आपको मैं पूरा खर्चा लाइक टोटल कॉस्ट कितना हुआ एक पर पर्सन था मेरे, मैं अपना बताऊंगा कि लाइक कैसे क्या हुआ। बस तो उसका डेडिकेटेड वीडियो मैं बाद में बनाऊंगा, पूछ रहा हूँ कि दर्शन करने जाऊँ बिकॉज मेरा चेकआउट 11 बजे है यहाँ से, तो आई गेस तो मैं 11 बजे तो मैं सुबह जल्दी जाके दर्शन कर गया वापिस एक और बार सोमनाथ जी महादेव के। स्टे ट्यून्ड गाइस।